कि मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं यही प्रिपरेशन करूँ सही भी था कि नहीं था मैं इस वीडियो को तभी कंप्लीट करूंगा जब मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊँगा इनिशियल दस मिनट में मैं इतना ज्यादा घबरा जाता हूँ उस पेपर से कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी तो ये बच्चे ऐसा करते क्या है कि इनके बैनर्स लग रहे हैं ऐसा क्या खा काम अच्छा करते लेकिन जिस दिन मैंने खुद का बैनर देखा उसके नीचे खड़े होकर सेल्फी खींची नमस्कार मैं महर्षि दिवेकर आई बॉम्बे का एक थर्ड ईयर बी स्टूडेंट हूँ मैं महर्षि बृगू की भूमि भरूच जो कि गुजरात का एक शहर है वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैं एक नॉर्मल सा मीडियोकर सा बच्चा था जो बस उतना ही पढ़ता था जितना उसको पढ़ाया जाता था मैं कभी भी एक, एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारता था कि ज़्यादा मार्क्स आ जाए मेरे सेवेंटी फाइव से एटी परसेंट आ जाते तो मैं खुश हो जाता था कि सही है और आगे क्यों पढ़ना और इनफैक्ट नाइन्थ स्टैंडर्ड तक मेरे कभी भी नाइन्टी परसेंटेज के ऊपर नहीं आए थे और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्योंकि जो प्रोसेस थी कि सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए तो मुझे कभी भी जमती नहीं थी सो so फिर ये जो फाइनल डिसीजन बना कि अब मैं जेई प्रिपरेशन करूँगा तो उसके अंदर कदम रखने से पहले ही एक हो जाती है ट्रेजिडी तो भरूच जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे एक ट्रेंड था कि अगर आपको ऐसे ही जेई प्रिपेरेशन नहीं तो कोई भी स्पेशल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होता था तो या तो आप कोटा जाओ नहीं तो वडोदरा सिटी जो सबसे नियर वीयरेस्ट सिटी थी जहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन होती थी और वहाँ पे सो कॉल्ड वेल एस्टैब्लिश्ड कोचिंग क्लासेस हुआ करते तो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने भी डिसाइड किया कि अब हम भी चलते हैं अब जई एग्ज़ाम फोड़ेंगे तो सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से चल रही थी मैंने भी कोचिंग में एडमिशन ले लिया फ़ाइनल वहाँ पर जाने से पहले मेरे साथ एक हो जाती ऐसी चीज़ मुझे एक हेल्थ इशू मान सकते हो कि लेफ्ट आई के अंदर एक आई अल्सर डेवलप हो जाता है टू एन एक्सटेंड कि अगर वो ठीक नहीं होता तो मैं अपनी एक आँख खो बैठता ये जो इंसिडेंट हुआ तो मेरे मम्मी और पापा की जो इच्छा थी कि मुझे वहाँ पे भेजे एंड मैं वहाँ पे तैयारी करूँ वो बिल्कुल ही चूर चूर हो जाती है मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ कि जो सपना मैंने बस देखना शुरू किया था वो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाता है ब्रेक हो जाता है लेकिन अभी भी याद है पापा ने एक लाइन कही थी तब कि अगर महर्षि तुझे कुछ बड़ा करना है तो लोकेशन मैटर नहीं करती तो यहाँ पे भरूच में रह के भी कुछ बड़ा कर सकता है उस चीज़ के साथ मैंने भी डिसाइड किया कि अब तो भरूच में रह के कुछ करना है भरूच में रह के इस एग्ज़ाम को फोड़ना है तो मैं वाइब्रेशन एकेडमी जो कि एक लोकल कोचिंग थी भरूच में वहाँ पे एडमिशन लेता हूँ सो रिलेटिवली ये एक नई एकेडमी थी बस पाँच साल हुए थे इसको एस्टेब्लिश हुए एंड उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से जो जेई और नीट के बच्चे थे उनको साथ में बैठ ही पढ़ाया जाता था तो अब मेरी इलेवेंथ की जर्नी शुरू हो जाती है जोश तो था ही कि अब तो भरूच में रह कुछ बड़ा करना है तो पहला महीना जेई जर्नी का इलेवेंथ स्टैंडर्ड का तो आपको ई रेस्टो पावर एक्स का कर तो पता ही होगा कि इनिशियली धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आ जाता है चीज़ों में कि समझ में ही नहीं आता उस टाइप से इलेवंथ शुरू हुआ स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत तो हुई सारी चीज़ें समझने में लेकिन समझ में आ रही थी लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि सारी चीज़ें सर के ऊपर से जाने लगी तो मैंने क्या किया कुछ नहीं जितने भी मेरे आसपास लोग थे उनको भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी इशू आ रहा था तो मैंने सोचा कि सबके साथ हो रहा है तो नॉर्मल है ठीक है कोई बात नहीं आगे बढ़ते एंड उसी दौरान मुझे यूट्यूब चलाने की बहुत ज़्यादा आदत थी कि मैं YouTube देखता एंड YouTube के अंदर भी वो देखता कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इनोवेशन साइड पे जो भी चीज़ें होती थी मैं देखते रहता और ख़ुद को कन्विंस करता कि जो मैं जेई पढ़ रहा हूँ उसमें भी फिजिक्स है तो मैं देख रहा हूँ तो ये टाइम वेस्ट तो थोड़ी है तो ये चीज़ दिखता एंड कहता है ना कि लाइफ के अंदर बहुत सारे रियलिटी चेकस होते हैं एंड मेरा पहला रियलिटी चेक आता है पहला मॉक टेस्ट जो था जेई मेन का तो उस पेपर के अंदर मेरे बस फिफ्टी परसेंट मार्क्स आते फिफ्टी परसेंट के अराउंड तो ये तो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि पैरों तले ज़मीन हिल जाए खुद पे इतना ज़्यादा डाउट होने लगा कि मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं ये प्रिपरेशन करूँ सही भी था कि नहीं था खुद पे इतना सेल्फ गिल्ट बिल्ट हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ उसी दौरान मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ जो वडोदरा पे प्रिपरेशन कर रहा था उसने बोला कि जिस लेवल ऑफ डेडिकेशन से वहाँ पे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड प्लस उन लोगों ने ऐसे ऐसे बुक सॉल्व करना शुरू कर दिया था जिनका मैंने नाम भी नहीं सुना था तब जाके लगा कि ऐसे तो नहीं होगा बॉस कुछ अलग तो करना पड़ेगा जैसे ही उसका फ़ोन रखा एक मैंने खुद से प्रण लिया कि जब तक इलेवेंथ और ट्वेल्थ मेरा खत्म नहीं हो जाता मैं यूट्यूब का बटन ख़ुद से दबाऊंगा नहीं धीरे धीरे चीज़ें गेयरअप होते चली गई मैं सर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे सारे डाउट्स पूछता सारी चीज़ें क्लियर करता वापस कुछ ऐसे रिसेंट मोमेंट आए लेकिन ठीक है मैं आगे बढ़ते गया लेकिन थी तो ये यही जर्नी ऐसे ही थोड़ी कटने वाली थी मुझे हो जाता है चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स जो बहुत रेयरली इस उम्र के लोगों को होता है लेकिन मुझे हो गया तो दो तीन हफ्तों तक मैं जा नहीं पाया कोचिंग ना तो कुछ सीख पाया खुद पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था लेकिन बहुत एक अच्छी चीज़ उसने सिखाई कि मैं जितना टाइम लर्निंग से दूर रहूँगा पढ़ाई से दूर रहूँगा उससे डबल नहीं तो ट्रिपल टाइम मुझे लगेगा उस चीज़ को वापस ट्रैक पर लाने के लिए एंड उस इंसिडेंट के बाद मुझे हार्डली याद होगा कि मैंने एक या फिर दो क्लास मिस भी की हो लेकिन एलेवेंथ के एंड आते आते आ गया कोविड सो कोविड फेज तो सारे की सारी ऑफलाइन से ऑनलाइन में ट्रांजिशन कर रही थी तो एक ऐसा बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बहुत दूर रहता था एंड हार्डली यूज़ करता था एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस के नाम पर बस सादा एक छोटा सा फ़ोन था बटन वाला वो यूज़ करता था उसको क्या पता था कि अब सारी की सारी लर्निंग पे जो चीज़ें डिपेंडेंट है वो सब अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे डिपेंडेंट होने वाली थी तो फिर जो ट्रांजिशन वाला फेज था बहुत इनिशियल लेवल पे टफ पड़ा जो भी डाउट क्लियर करने वाला प्रोसीजर था वो भी एकदम धीरा हो गया खुद सीखने वाली चीज़ भी धीमी हो गई एंड उस टाइम पर मैं बन गया था एक ओवर थिंकर ओवर थिंकर इन टर्म्स ऑफ कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती थी मैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के खुद समझ लेता था एक क्वेश्चन ना हो तो सोचता था कि आगे की चीज़ तो हम नहीं होने वाली बॉस बहुत डिफ़िकल्ट है इतना ज़्यादा सिलेबस है कैसे कवर होगा ऐसे सारे क्वेश्चन और सेल्फ डाउट आता रहता था तो क्या किया क्या महर्षि रुक गया उसने बस सोचा कि अब जो होगा देखा जाए बिल्कुल नहीं तीन ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे उस चीज़ से बाहर उभरने के लिए मदद किया वो ये थी पहला फैमिली सो so, फैमिली ने घर पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखा था इतना प्लेफुल कि हम बात करते थे सारी चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेते थे और जो खास करके नेगेटिव न्यूज़ आती थी वो हम घर तक आने नहीं देते थे प्लस मेरी जो नानी थी सबसे बड़ी मोटिवेटर उन्होंने तो ये तक कह चुका था कि अगर मैं और आगे प्रिपरेशन ना भी करूँ तो भी मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी दूसरा ये कि अगर आप किसी भी चीज़ में चेंज लाना चाहो आपके जीवन में तो अगर आप रूटीन के अंदर चेंज लाओ तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा तो मैंने और मेरी मम्मी ने ये डिसाइड किया कि अब हम रोज़ योगा करेंगे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा बिल्ड होना शुरू हुआ प्लस रूटीन के अंदर चेंज आया तो चीज़ें वापस नहीं लगने लगी एंड तीसरा एक संकल्प जो मैंने लिया तो एक दिन मेरे बड़े भैया आते हैं और कहते हैं कि एक वीडियो बनाते हैं एक वीडियो तेरा कि दिन के शुरुआत से लेके एंड तक तू तो क्या क्या चीज़ें करता है उसको रिकॉर्ड करते हैं मैंने बोला कि ठीक है करो मैं तो पढ़ूंगा लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए लेकिन बैक ऑफ द माइंड मैंने ये चीज़ डिसाइड की कि इस वीडियो को मैं ख़त्म तब करूँगा जब मैं एक कॉलेज में जाऊँगा तो अभी तक के मेरे जर्नी के अंदर मैंने कभी भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं आगे क्या करूँगा मेरा बस एम यही था कि मुझे इस एग्ज़ाम को फोड़ना है मैं तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं शायद एन में भी जा पाऊँ क्योंकि किसी ने भी ऐसा नहीं किया था भरूच में रह के तब मैंने जो सबसे बड़ी नहीं तो हाईएस्ट पीक आप मान सको इस एग्जाम से आप क्लियर करने के बाद पहुंच सको उस कॉलेज को टारगेट किया मैं इस वीडियो को तभी कंप्लीट करूंगा जब मैं आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा आईआईटी बॉम्बे पहुंचूंगा इस संकल्प ये छोटी सी जो चीज़ थी जो मैंने खुद से मांगी कि इस वीडियो को कब ख़त्म करना है वो इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग रही कि आगे की जर्नी में मुझे कभी भी लगता था कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ या फिर मैं कम मेहनत कर रहा हूँ बस मैं इस वीडियो को याद करता था कि इस वीडियो को ख़त्म करना है तो आईआईटी बॉम्बे पहुँचना पड़ेगा फिर होती है डेट रिलीज जई मेन की का जो लास्ट मैंने मॉक दिया था उसमें मेरे बस आते हैं एक सौ साठ के अराउंड आउट ऑफ थ्री हंड्रेड यह बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमिंग ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकता था लेकिन मैंने इसकी डिसअपॉइंटमेंट को अपने एक्चुअल पेपर पे इफ़ेक्ट आने नहीं दिया एंड मेरे पहले ही अटैम्प में आ जाते हैं नाइन्टी नाइन पॉइंट एट नाइन तो एक महर्षि जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका शायद से कभी एन में हो जाए उसका पहले ही अटेम्प्ट में सारे एन के दरवाजे उसके लिए खुल जाते वैसे ही मैंने सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ अटैम्प्ट भी दिए इनफैक्ट थर्ड अटैम्प्ट के अंदर मेरा नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन वन परसेंटेज आ जाते हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि अब एन आई टीस तो हो गए हैं एन आई टी ओपन है अब एन आई टी के ऊपर हम किस कॉलेज को मानते हैं यानी जो लोग मानते हैं वो है बिट्स बिट्स पिलाने तो मैंने बीच में ही बिट साइट भी दी उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं की लेकिन उसके अंदर भी मेरे तीन सौ साठ आ जाते आउट ऑफ थ्री नाइन्टी तो अब दो जो चेक पॉइंट थे वो मेरे क्लियर हो जाते कि एन आई टी सी टिक बिट्स बी टिक अब फिर आती है वो घड़ी जब मैं याद करता उस वीडियो को उस वीडियो को ख़त्म करना है तो आईआईटी बॉम्बे जाना पड़ेगा आईआईटी बॉम्बे जाना है तो थी घड़ी जई एडवांस की जई मेंस के लास्ट अटैम्प्ट और जई एडवांस के बीच में था बस एक महीने का ही डिफरेंस ना तो थी मेरी उतनी प्रिपरेशन क्योंकि मैंने अपने थ्रू आउट जर्नी में बहुत ज़्यादा टफ लेवल ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की थी कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करते हो उतनी ज़्यादा आप लकीयर बनते हो मैं भी थोड़ा सा लकी बन गया एंड जी एडवांस की डेट हो जाती है एक्सटेंड तीन महीनों से लेकिन कंटिन्यूस इतने सारे पेपर्स के बाद अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स आने के बाद ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि अब इस एग्ज़ाम को भी अच्छा जाना ही पड़ेगा मैंने खुद पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया कि इस पेपर में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो सब खत्म तो इन सारी चीज़ों का रिजल्ट कहाँ पे आता है एक्चुअल पेपर में जी एडवांस जो कि दो पेपर में होता है पेपर वन पेपर टू तो पेपर वन के स्टार्ट में इनिशियल दस मिनट में मैं इतना ज़्यादा घबरा जाता हूँ उस पेपर से कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी मुझे बैठना पड़ा लिटरली दस मिनट तक डीप ब्रीदिंग करनी पड़ी कि हाँ भाई शांत हो जाए ये भी नॉर्मल पेपर ही है इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है स्टिल मैंने पेपर वन दिया पेपर टू भी दिया एंड फाइनली आई सिक्योर्ड रैंक ऑफ टू फोर सेवन जीरो लेकिन एडवांस के अंदर मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा और इसके वजह से मेरे एक्चुअल पेपर में फ़र्क दिखा स्टिल अब जो वीडियो का संकल्प जो मैंने लिया था वो मुझे पूरा होते हुए दिखा मैं लैंड करता हूँ आई बॉम्बे में मैं हमेशा से बस ये चीज़ एक सोचता कि पूरे सिटी के अंदर इतने बड़े बड़े बैनर्स लगे होते थे उनके अंदर बच्चों के फोटो हुआ करते थे ना तो किसी सेलिब्रिटी के बच्चों के तो ये बच्चे ऐसा करते क्या है कि इनके बैनर्स लग रहे ऐसा क्या खास काम करते लेकिन जिस दिन मैंने खुद का बैनर देखा उसके नीचे खड़े होकर सेल्फ़ी खींची तो अभी तक जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए जितनी भी दिक्कतें आई पूरी जर्नी के बीच में सारी वर्थ इट हो गई एक पल में एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जर्नी से बस एक मैसेज निकलता है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है अब आप पूछोगे क्यों मेरी जी जर्नी शुरुआत होने से पहले जो ट्रेजिडी होती है वो ना तो एक ट्रेजिडी थी बट एक पॉजिटिव साइन था एक पॉजिटिव चीज़ हुई जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था जिसके अंदर मैं पढ़ने के लिए जाने वाला था वो एक साल के अंदर ही इरेडिकेट हो जाती है बंद हो जाती है और वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उनको शिफ्ट करना पड़ता है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है एंड बात की जाए उस ट्रेंड की जो भरूच के अंदर हुआ करता था कि बच्चे या तो कोटा या फिर वडोदरा जाते थे अब ज़्यादातर बच्चे भरूच में रह ही पढ़ते इन फैक्ट मेरे जस्ट नेक्स्ट ईयर जिस बैच ने ये पेपर दिया उसके अंदर टॉप 500 के अंदर भी रैंक आई भरूच से ही तो ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि लोकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती एक नॉर्मल मीडियाकर सा बच्चा जो कभी सोचता है कि वो शायद से जी एग्ज़ाम दे एंड मस्ती मस्ती में वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है एंड वो भी भरूच में रहकर आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच सकता है तो कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है तो कोई भी आप ड्रीम देखो वो पॉसिबल है बस आपको आपके अंदर देखना है कि आप ऐसा कौन सा संकल्प पकड़ते हो एंड फाइनल आपका ड्रीम क्या है एंड उसको हासिल करने के लिए क्या चीज़ करते हो एंड मैं जो स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि उसने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी स्टोरी बताने के लिए क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा से जो स्टॉक्स देखती हुई आई थी और मुझे कंटिन्यूस हमेशा बेचती रहती थी एंड इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी का जो वीडियो है उनको एक सरप्राइज़ के तौर पे देना चाहूँगा एंड आई होप कि उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा